वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं बकरे की वजड़ी। मैं इसलिए बोल रही हूँ तो फिर रियाज बोलेगा अम्मी वजड़ी किसकी बन रही है। तो आज अम्मी बनाने वाले हैं मटन की वजड़ी। ये भाई बहुत ही बोलते ना, लोगों ने कमेंट किया था कि आंटी वजड़ी भी बनाओ। हमने क्या बनाए थे? मुर्गी का पोटा और कलेजी। उसमें हमने जस्ट पूछा था कि किस किस को वजड़ी चाहिए, वो कमेंट करके जरूर बताना। तो बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि आंटी वजड़ी बनाओ, इसके लिए आज हम लोग बनाने वाले हैं वजड़ी। और हम कब खाए थे सही बोलूं तो ना, मेरे को याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब खाया था। बचपन में शायद खाया था मैं वजड़ी। हाँ, घर के पास आता था हलीम वाला टोप लेके बड़े बड़े, जब हम लेके उसको पूरा धो लेते थे पानी से। बहुत से लोग मालवनी में ना, बहुत से लोग उससे लेके खाए होंगे। हाँ, लेकिन हम ऐसे नहीं खाते थे, उसको लेते थे और धो लेते थे, उसका पानी फेंक के फिर अपने तरीके से बनाते थे। हाँ। क्योंकि गलीवी वजड़ी मिल जाती थी ना रेडीमेड। हाँ। इसके लिए तो भाई ये वजड़ी ना बहुत से लोग को पसंद भी आती है, बहुत से लोग को पसंद नहीं भी आती है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस को पसंद है और किस किस को नहीं पसंद है। हाँ, वैसे नहीं है। हाँ, वैसे तुम कौन सी वजड़ी, मतलब किस टाइप की बनाएंगे? मसाले वाली बना रही हूँ वजड़ी। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हम वजड़ी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो सबसे पहले लेंगे हम वजड़ी, प्याज, टमाटे, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक लीमू, गरम मसाला पाउडर, एक शिमला मिर्ची। खड़े गरम मसाले में लेंगे हम हरी इलायची, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, एक चक्रफूल, काली मिरी, एक चम्मच शाहजीरा। और यहाँ पे लेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं, मैं वजड़ी को मैंने अच्छे से धो के ले ली हूँ, तो ये 600 ग्राम वजड़ी निकली है। और जब मैंने दुकानदार से साफ करके लेके आई थी ना, उसने भी मुझे साफ करके दिया था, ऐसा नहीं कि पूरा गंदा उठा के दिया था। लेकिन जब भी कितनी थी ये वजड़ी, पूरी 1 किलो से ज्यादा थी, 1 किलो 100 ग्राम थी। मतलब मेरे साफ करने के बाद ये 600 ग्राम निकली है, सोचो इसका क्या हाल करी होगी मैंने। इसको धोने में मेरा पूरा 2.5 घंटा लगा है, 2.5 घंटा। इसलिए बोलते हैं ना, वजड़ी को धोना एक टास है, पकाने से ज़्यादा धोने में इसको भारी पड़ता है। ये मैंने इस तरीके से धो ली हूँ पूरा अच्छे से, अंदर से बाहर से, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पानी चढ़ा दिए है, अच्छा ज़्यादा पानी चढ़ाया है हमने, खलखल इसमें हमको बॉयल करना है। मतलब हमको वजड़ी नहीं बॉयल करना है, वजड़ी को एक हिसाब से ये धोने वाला प्रोसीजर ही है, ठीक है। यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये हम वजड़ी को एक तरीके से धो रहे हैं, ये पका नहीं रहे, ठीक है ना। अब हम इसमें ये जो हमने वजड़ी ली है ना धो के, इसको धो के मैंने ना इसमें 3 चम्मच विनीगर डाल के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी, ठीक है। आप भी अगर धोएंगे तो इसको विनीगर डाल के छोड़ देना। अब हम इसमें ये डाल देंगे, इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, फिर इसको हम छान लेंगे। इसको भी एक धोने का प्रोसीजर बोलते हैं, वजड़ी को क्लीन करने का। अपनी मन की शांति हो जाती ना कि अब वजड़ी अच्छे से साफ हो, है ना। इसको हम अभी 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो चलो 5 मिनट हो गए, मेरे पानी में अच्छा खासा बॉयल आ गया है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको छान लेंगे हमारे ये जो वजड़ी को, इसका पानी निकाल लेंगे और इसको छान लेंगे। वजड़ी पकने के बाद कैसी गोल हो जाती, झींगे की तरह, है ना। तो वजड़ी को यहाँ पर मैंने पूरा निकाल ली हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुकर चढ़ा दिए हैं, अब इसमें डालेंगे तेल। तेल मैं मेरे हिसाब से डाल रही, आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है ना, तो सब अपने अपने हिसाब से डालते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये 3-4 तेज पत्ते छोटे छोटे लिए हूँ मैंने, ठीक है। 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 1 फूल और ये 10 से 12 काली मिरी। यहाँ डालेंगे हम 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 चम्मच शाहजीरा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, जरा खुशबू आ जाने देंगे गरम मसाले की अच्छे से। तो यहाँ पर गरम मसाला अच्छे से भून गया है,
और खुशबू भी आ गई है। अब डालेंगे हम इसमें प्याज। ये प्याज ली हूँ मैंने 1/4 किलो, ठीक है। वजड़ी में प्याज ज़्यादा ही डालना। अब मैं मसाला ये प्याज और टमाटे से ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। इसमें डाल दी हूँ मैंने 1/4 किलो प्याज। इसको अभी पकाना नहीं है हमको बिल्कुल भी। इसी में हम ऐड कर देंगे ये हमारी जो वजड़ी हमने जो निकाले अभी गर्म पानी से, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हरी मिर्ची। ये 2 हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि हमने प्याज अच्छी खासी डाले हैं ना, तो प्याज से जो तीखापन आता है ना, ये मीठापन आता है, उसको कवर करेगी हमारी हरी मिर्ची, ठीक है। अब डालूंगी मैं 2 चम्मच भर के बड़े बड़े अदरक लहसुन। अदरक लहसुन 2 चम्मच डालना भर के। अब डालेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी। थोड़ी कम ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही इसको धोने में ही इतनी डाल दी है। 1 चम्मच डालेंगे हम मिर्ची पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची। 1 चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर। 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, ठीक है। अब डालेंगे इसमें हम ये, मैंने 2 से 3 टमाटे ली हूँ, कुछ 150 ग्राम होंगे ये टमाटे। मैं देखो सब एक साथ ही डाल रही हूँ, आप देख लो। मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी कोथमीर। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पुदीना। अब इसमें मैंने सब ऐड कर ली, इसको 1 मिनट के लिए मैं ज़रा पकने दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 मिनट तक अच्छे से पकने दी हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम भर के नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो बॉईल करे थे पानी जिसमें वजड़ी डाले थे उसमें भी नमक डाले थे, ठीक है ना। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं एक कांच का गिलास ले रही हूँ, इससे पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं कम से कम इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। मतलब छोटा गिलास है ना ये? हाँ, ये छोटा गिलास है इसके लिए। अब इसको मैं पूरे 10 से 12 सीटी करूँगी, ताकि वजड़ी में टेस्ट आए। ऐसा नहीं कि वजड़ी कच्ची रह जाए, क्योंकि वजड़ी अगर कच्ची रह गई आपको वजड़ी खाने का मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको सीटी लगाऊंगी पूरी 10 से 12, ठीक है। तो चलो 12 सीटी हो गई है मेरे कुकर की, और इसका हवा पूरी निकल चुकी है माशाल्लाह। देख रहे हैं आप लोग, पानी पूरा सूख गया है। हाँ, वजड़ी भी मेरी गल गई है माशाल्लाह, 2-2 टुकड़े हो रहे, देखे अच्छी खासी वजड़ी गल गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले ऐसी हिला दूंगी अच्छे से, ताकि इसमें जो टमाटर और जो प्याज डाले थे ना हमने, वो अच्छे से मैश हो जाए, क्योंकि वो इतने गल गए होंगे कि हम अगर चम्मच जोर से इस तरह से हिलाएंगे ना तो उसका मसाला बन जाएगा पूरा, उसको दिखाई में नहीं देगा। मतलब प्याज और टमाटे जो हमारे अच्छे से मसाले के तौर पे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 2 मिनट पूरा मसाला घोट लिया, जो भी प्याज टमाटे थे वो अच्छे से घुल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है गैस पे, ये इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ वजड़ी, और ये हमने अभी थोड़ा सा 1/2 कप पानी डाल के इसमें से मसाला निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसको पकाएंगे। इसके अंदर डाल देंगे अब हम ये जो गरम मसाला रखे थे ना पाउडर वाला, ये डाल देंगे। इसमें डालेंगे अब हम ये शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची की वजड़ी में? हाँ, मैं बताती हूँ, बहुत से लोगों को क्या होता है ना, वजड़ी की स्मेल की वजह से वजड़ी खाते ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से वजड़ी में कोई भी अपनी फेवरेट सब्जी ऐड कर लेंगे, तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आप लोग ज़रूर खाएंगे। और ये शिमला मिर्ची से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है कोई भी सालन में, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे तरीके से बना के वजड़ी खाना ज़रूर। आप लोगों ने वजड़ी तो बहुत खाए होंगे बना बना के, इस तरीके से भी ज़रूर बनाना। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1/2 नींबू। इतनी चटपटी बनती है ना ये वजड़ी, नहीं खाने वाला भी खाएगा। हाँ,
ये, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा 5 मिनट पकाएंगे। हमको शिमला मिर्ची को एकदम गलाना नहीं है, बस दम पे एक 5 मिनट के लिए रखना है ताकि मिर्ची का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। और ये टाइम पे आप लोग नमक वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। मेरा नमक थोड़ा कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ये पुदीना है ना, ये डालूंगी, थोड़े से पुदीने ऐड करूंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर और इसको एक 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। तो चलो देखते हैं, 5 मिनट दम पे रखी थी मैंने। वाओ, तो अब मैं गैस कर दूंगी बंद। यहाँ पर मेरी वजड़ी हो गई है रेडी, एक नंबर वजड़ी बनी है। तो दोस्तों तैयार हो गई है मटन की यानी कि बकरे की वजड़ी, ओजड़ी क्या बोलते हैं, वजड़ी, गोजड़ी, जो बोलना है बोलो। बाकी मस्त बनाया है हमने, एकदम मसाले वाले वजड़ी, मसालेदार, मसालेदार वजड़ी। हाँ, मस्त बनी है सही में। और अम्मी मैं तुम ही बताओ कब खाए थे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम कब खाए थे मुझे भी खुद याद नहीं है कि मैंने कब। अच्छा, इसको साफ करने में कितना टाइम गया? हाँ, ढाई से, ये तो बात हुई नहीं, ढाई से 3 घंटा गया। इसको बनाने में जितना टाइम नहीं लगता ना, उतना इसको साफ करने में लगता है। सही बात है, सही बात है। मैंने पोटा और बकरे की दुकान में भी इतना क्लीन करके नहीं देते। हाँ, देते साफ सुथरा रहता है। हाँ, लेकिन वो क्या है ना, जब तक अपना वहम नहीं रहता ना इसको घसने का, वो अपने हाथ से ही अपन हटा सकते वहम। गरम पानी लेके गीजर चालू करके 2 घंटा बैठी थी मैं सिर्फ वजड़ी साफ करने के लिए। यही रीजन है कि जो लोग ये नहीं खाते। हाँ, इसको साफ हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं मैं नहीं खाऊ तो वो कैसे बहाने। नहीं नहीं नहीं, जो फूडी है, जो खाने वाला बंदा है ना, वो तो खाते ही रहेगा। बहुत से लोग खाते, बहुत शौकीन है पापा वजड़ी के। चलो फिर स्टार्ट करते। देखो भाई, मैं तो ना सही बोलूं, मैं इसीलिए अभी खा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम पहले खा चुका हूँ, और अभी सही बोलूं तो इसका मैंने टेस्ट भी भूल चुका हूँ। तो आज मैं खाऊंगा वजड़ी सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए। हाँ, अगर अच्छा लगा तो फिर मैं वापस से खाऊंगा। बहुत मजे की लगती है ये। देखो अभी तो कंफर्म, इतनी तो गारंटी की अच्छा ही बना होगा, क्योंकि जो मसालेदार दिख रहा है ना यार, मटन हो चाहे मटन की वजड़ी हो, अपने लिए तो एक ही है। मटन चाहिए और उसको वहाँ पे इतनी गारंटी है। हाँ, और साथ में ये वजड़ी के साथ सही में ये नींबू और कांदा मिल जाए ना, मजा आ जाती है। नींबू देखो आप, मैंने वजड़ी में भी, मेरे को ना सही बोलूं तो इतना याद है बचपन का कि ना हमारे गली में ना एक ऐसा बाल्टी लोखंड का टोप लेके घूमते थे, वो बेचते थे वजड़ी और भी बहुत कुछ, भट हलीम वाले, हलीम वाले। आप याद आ रहा ना, तो वो बेचते थे अंकल, तो हम लोग लेके खाते थे। और मेरे को सही बोलूं तो नहीं याद है कि मैंने कभी वहाँ से खाया रहूंगा, बहुत कम। वैसे तो ज्यादातर ये लोग खाते कभी मालूम, बकरा ईद में, बकरे के साथ ना बहुत से लोग तो जाते डिमांड करते बकरा कटने का, कि भाई ये वजड़ी मेरे को दे देना ऐसा। और ये देखो नींबू, उससे लोग रोज खाते हैं। तो चलो अभी खाते हैं हम वजड़ी। नमक तो डाल दिए पहले ना, अभी सूखी खाओ बिस्मिल्लाह। ये लो, मुझे सूखी भी, सूखी सही बोलूं तो मजा आती है, मस्त लगती है। नींबू निचोड़ दिया, मस्त एकदम मजा अलग ही रहता है। ये तो मैंने मसाले वाली बनाई हूँ, हरे मसाले में भी बनती है एकदम सूखी, बहुत चटपटी लगती है। ये बता दू, ये वजड़ी ना हमारे घर में सबसे ज्यादा इसके बाप को पसंद है। हाँ, बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा पसंद। वैसे तो मुझे भी बहुत ही मस्त लगी, मैं भी अभी खाऊंगा, मुझे सही में अच्छी लगी। और साथ में मैंने देखो शिमला मिर्ची का अलग से तड़का भी दिए। हाँ, और सही बात है, शिमला मिर्ची एक ऐसी चीज है ना, मतलब एक ऐसी भाजी है कि आप कोई भी मटन या चिकन में डालो तो यार वो ना चिकन और मटन का मजा थोड़ा बढ़ा देती है, अपने तरफ खींच लेती है। बहुत से लोग को एक वहम है कि ना वजड़ी में एक स्मेल आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आ रही है यार? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ, मुझे अलग नहीं लग रहा है कि मैं मटन छोड़ के कुछ और खा रहा हूँ। नहीं, हाँ, वो टेस्ट थोड़ा, मतलब बोलते ना टेस्ट अलग नहीं है, वो जो चबाने वाला पन होता है ना, बस वो थोड़ा अलग है। और मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा है कि मैं कुछ गलत चीज खा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो बोलती हूँ ना, बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों की तो फेवरेट है, लेकिन सिर्फ ना धोने की वजह से ना लाते नहीं और पकाते नहीं, वो धोने की मेहनत कौन करेगा ये सोचते हैं बस। फिर भी अगर आपको और ज्यादा क्लीन चाहिए, थोड़ा और अच्छा चाहिए, तो यार दुकान वाले को बोल रहे हैं 20 रुपए ले ले, थोड़ा बड़ा के साफ करके दे दे, तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट करके दे देगा, करके देते हैं हम लोग। लेकिन क्या है ना, अब इसके अब्बा नहीं खा पाते ये,
उनके दांतों की तकलीफों की वजह से। मैं तो एक टाइम था मुझे धोने नहीं आता था और वो मुझे कंटिन्यू बोलते थे मुमताज वजड़ी बनाएगी, मुमताज वजड़ी बना दे। मैं उनको बोलती थी मुझे साफ करा के लाके दो, मैं पका के दूंगी। मुझे बहुत जान पे आता था ये साफ करने। मैं सही बोलूं तो नींबू डाल दिया ना तो मजा और मजा हाँ। मजा आ गया। और मैं अभी भी नहीं बनाने वाली थी, सच्ची बोल रही, मैं अभी भी नहीं बनाने वाली थी। कमेंट इतने सारे आए ना, इतने कमेंट आ गए, इतने कमेंट आ गए। रियाज बोला अम्मी अब तो तुमको धोना ही पड़ेगा, दो घंटा चार घंटा। अम्मी यार रेसिपी क्यों बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप लोग की बात नहीं सुने तो फिर खाएगा मजा। बोले अब तो आपको बनाना ही पड़ेगा, मैं अब धो चाहे कुछ भी करो, टाइम लगे चाहे कुछ भी लगे। मैं बोली चलो ठीक है। फिर जाके हमने, मैं खुद लेके आई अपने हाथ से, जाके वहां से आधा क्लीन करा के लाई, उसके बाद भी ढाई घंटा लग गया। अच्छी बनी, फुल मसालेदार एकदम, इतना कुछ अलग रेसिपी है। हाँ, तो इसको गला जो जो कमेंट कर रहा था वो लोग शेयर करने का भी रेसिपी, और अपने घर पे बना के मुझे इंस्टाग्राम पे फोटो भेजने का, ठीक है। देखो वजड़ी तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाना, मैं भाजी दाल की बनाई हूँ देखो, शिमला मिर्ची की, बहुत मजे की बनती है, ठीक है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि कमेंट करके गायब हो जाने का, सब्सक्राइब भी करने का। प्लीज 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 सब्सक्राइब करो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जाएगा, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, ठीक है। चलते हैं अभी, इतनी तबीयत खराब में भी मेरा बच्चा शूट करता है, वीडियो बनाता है, काम तो काम है, काम तो काम है, उसकी तबीयत सही नहीं है हाँ, लेकिन फिर भी करे जा रहा है। नहीं अम्मी वीडियो का वेट करते हैं, तो आप प्लीज शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ ये बात तो सही बोले अम्मी ने, ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।